वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट नीट स्टडी मटेरियल के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, वन ऑफ द रिजर्व्ड टॉपिक इन नीट एंट्रेंस एग्जाम फॉर MBBS एडमिशंस। ये वाला टॉपिक रिजर्व्ड है, क्वेश्चन आना ही आना, चाहे कुछ भी कर लो, एग्जामिनर क्वेश्चन देगा ही देगा इस टॉपिक से। तो हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक के वॉल्यूम के बारे में और एक एक कैपेसिटी के बारे में, उसका कितना अमाउंट होता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस अमाउंट दैट विल डायरेक्टली कम इन योर एग्जाम इन मैचिंग टाइप क्वेश्चंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज टाइडल वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन इट इज अप्रॉक्स 500 ml। सो ए हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6,000 to 8,000 ml ऑफ एयर पर मिनट। तो टाइडल वॉल्यूम का जो है तुम्हारा वो है 500 ml। ये होता है तुम्हारा नॉर्मल, जो हम कर रहे हैं ना नॉर्मल, वो एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड की बिल्कुल नॉर्मल बिना किसी स्ट्रेस के जो हमारा चल रहा है, दैट इज 500 ml। ये अलग अलग पर्सन में वेरी कर सकता है, बट हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू मानकर चलेंगे 500 ml। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है वी हैव टू कैलकुलेट बेस्ड ऑन 500 ml। अब आती है तुम्हारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखो इंस्पायरेटरी और वॉल्यूम कैसा है, रिजर्व मतलब रिजर्व पोर्शन है। जैसे ये टॉपिक खुद आपका रिजर्वड है नीट के अंदर, तो यही इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखो कैसे कोहेरेंसी मैच कर रही है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर क्या कह रहा है ये, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सफुल इंस्पिरेशन। एक है तुम सांस ले रहे हो, उसमें तुम जबरदस्त और फोर्स लगा रहे हो, पूरा एकदम एयर अंदर की तरफ ले रहे हो, जैसे रामदेव बाबा जी करते हैं। तो दिस एवरेज 2500 to 3000 ml, ठीक है, 2500 से 3000 ml के बीच में है, मतलब 2.5 liter से 3 liter, ठीक है। ये है रिजर्व वॉल्यूम। ये है एडिशनल, मतलब इतना स्पेस खाली रहता है, अगर आप फोर्स लगाओगे तो इतनी एयर अंदर और ले सकते हो। अब आती है बात एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये क्या है कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन। देखो नॉर्मल में तुम्हारा 500 ml तो निकलता ही है, अगर तुम और पूरा दम लगाओगे इसका मतलब है कि 1000 से 1100 ml आप और एक्स्ट्रा रिलीज कर सकते हो, मतलब वो अंदर रहता है इतना एयर। अगर आप पूरा दम लगाओगे तो 1000 ml कम से कम आप और एक्स्ट्रा निकाल दोगे, मतलब 1500 ml एक बार में, 500 तो नॉर्मल में चलेगा ही। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वाला। अब आता है रेजिड्यूअल वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग, मतलब रेजिड्यूअल जो हमेशा रहेगा आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपिरेशन, दिस इज एवरेज 1100 से 1200 ml। देखो तुम पूरा निकाल दो एयर, पूरी फोर्स लगा दो, तब भी वो जो पोर्शन है वो तुम्हारा रिजर्वड है, ठीक है, वो अंदर रहेगा ही रहेगा, तुम कुछ भी कर लो। तो ये है रेजिड्यूअल वॉल्यूम, ये तुम निकाल नहीं सकते। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग इवन आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपिरेशन, क्योंकि उतना उसको मेंटेन करने के लिए चाहिए। तो तुम्हारे चार तो हो गए भाई वॉल्यूम। एक बार और समझ लो, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल वाला है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है तुम्हारा एडिशनल वॉल्यूम, जितना हम ले सकते हैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद, एक्सपिरेशन के बाद जितना हम एडिशनल निकाल सकते हैं, और रेजिड्यूअल वॉल्यूम जो कि लंग के अंदर रहेगा रहेगा। ये चार तो हो गई तुम्हारी वॉल्यूम्स। अब हम बात कर रहे हैं अलग अलग कैपेसिटी के बारे में। तो ये वॉल्यूम्स को जोड़ तोड़ के जो कुछ इक्वेशंस हैं उसके बेसिस पे हमारी कैपेसिटीज निकलती हैं। कैपेसिटी मतलब होती है कि उतनी उसकी कितनी होल्डिंग पावर है, कितनी वो वॉल्यूम, जैसे गुब्बारा है फुलाते हो तो कितनी एयर उसके अंदर रह सकती है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना है, 500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है? ये देख लो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है तुम्हारा 2500 से 3000, ठीक है, तो लगभग ये 3000 या 3500 करीब आएगी। तो ये होगी तुम्हारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब एक तो नॉर्मल और उसमें फोर्स के साथ ले लो, तो टोटल इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। तो ये सिंपल सी चीज़ है। अब कैपेसिटी में देखो ना कि टाइडल एक तो नॉर्मल है, उसके फोर्स लगा लोगे तो वो तुम्हारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब एक्सपिरेटरी में के अंदर देख लो, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, कितना वो कर सकता है, ठीक है, दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये जो तुम्हारे दो हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी सिंपल है, इसमें नॉर्मल वाला और प्लस जो फोर्सफुल के साथ है वो जोड़ दोगे तो आ जाएगा। अब इसमें कितना हो सकता है, 500 आगे टाइडल वॉल्यूम का, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देख लो कितना है, 1000 से 1100, चलो 1000 मान के चलो,
और 500 तो ये 1500 के आसपास हो जाएगा। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जो है 1500 के आसपास हो सकती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी 3000 से 3500 के बीच हो सकती है। अब फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी, ठीक है जी, फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी को हम देख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन। देखो आप जब एक्सपिरेशन कर रहे हो तो कितनी अंदर रहेगी, तो एक है रेजिड्यूअल वॉल्यूम, वो तो हमेशा रहती रहती है, एक है तुम्हारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी उसकी कितनी है, एक्सपायरेटरी रेजिड्यूअल वॉल्यूम तुम्हारा जो था, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन, मतलब फोर्स लगाने के बाद ये निकलेगा। तो ये जो तुम्हारी थी फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी, उसमें रिजर्व वॉल्यूम, रेजिड्यूअल वॉल्यूम, रेजिड्यूअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों ऐड हो जाएंगे। तो रिजर्व वॉल्यूम तुम्हारा कितना, रेजिड्यूअल वॉल्यूम तुम्हारा कितना है, 1200 मान के चल रहे हैं, रेजिड्यूअल वॉल्यूम हम मान के चल रहे हैं 1200 ml, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मान के चलो 1000 मान लो, तो मान के चलो 2200 के आसपास आएगा ये तुम्हारा। तो फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी FRC, इसमें ये दो ऐड हो जाएंगे। अब देखो वाइटल कैपेसिटी, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपिरेशन, कि फोर्स्ड एक्सपिरेशन जब हुई है तो कितना वो ब्रीद करेगा। दिस इंक्लूड ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देखो फोर्स लगेगा तो ERV काउंट हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम तो फोर्स जब लग रहा है तो नॉर्मल वाला तो काउंट होगा ही, IRV मतलब हो गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है जी, और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पिरेशन। तो अगर आपने फोर्स्ड एक्सपिरेशन कर दिया है तो उसके बाद आप कितना जो है अंदर एयर ले सकते हो, तो टाइडल वॉल्यूम 500 तो लोगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये भी लोगे, और ERV भी तो खाली हो गया ना, क्योंकि तुमने फोर्स के साथ निकाला है, तो फोर्स के साथ निकाल दिया तो पहले ERV भरेगा, फिर टाइडल जो नॉर्मल होता है उसके बाद आप फोर्स लगाओगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है जी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्स के साथ अंदर लोगे। तो ये सारे हो गए आपके वाइटल कैपेसिटी के अंदर। तो वाइटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, ERV कितनी है, ERV TV, देखो ERV है 1000, ये है तुम्हारा 3000 मान लो, 1000 3000 4000, ये 500, लगभग 4500 ml के करीब आएगी तुम्हारी वाइटल कैपेसिटी, 4500 ml। अब आ जाते हैं भैया टोटल लंग कैपेसिटी पे, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स आफ्टर द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन कितनी हो जाएगी। देखो रेजिड्यूअल वॉल्यूम ये ऑलरेडी रहता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसलिए काउंट हो रहा है क्योंकि आपने फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया है तो उतना काउंट होगा, उसके बाद टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल वाला आता है, एंड और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो सबसे बेस्ट मैं बता दूं इसका है, वाइटल कैपेसिटी 4500 थी, इसमें रेजिड्यूअल वॉल्यूम जोड़ दो तुम्हारा टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी 1200 जोड़ दो इसके अंदर, तो 45 और 12 5700 ml के करीब तुम्हारी टोटल लंग कैपेसिटी है, ठीक है जी, टोटल लंग कैपेसिटी। तो इसमें क्या है कि तुम इसको याद तभी कर सकते हो जब इसको बार बार पढ़ोगे, तो वॉल्यूम्स को तो याद रखना बड़ा आसान है लेकिन कैपेसिटीज में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहती है, तो इसलिए इसको एक ही उपाय है भैया, इसको बार बार पढ़ें। तो इस हिसाब से ये जो टॉपिक है तुम्हारा वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी वाला ख़त्म हुआ।